इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी हुई है, ब्लैक सही लग रहा दिखाएं। और सेवर फूड चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैर कैसे होंगे। यार मैंने अपने एक पिछले ब्लॉग में कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मैं राजा बाज़ार जाने वाली हूँ, एंड आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो जी मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि अभी तक आप राजा बाज़ार क्यों नहीं गई, और अगर गई हैं तो आपने वहाँ से क्या क्या लिया है, चीज़ें कितनी अफोर्डेबल हैं, प्राइसेस शेयर करें, क्या क्या लिया है वो शेयर करें। मैंने सोचा कि भाई जल्दी से चलते हैं राजा बाज़ार। ऐसे जी हम लोग निकल गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और सबसे पहले हमारा स्टे हुआ पीको वाली शॉप पर, क्योंकि हमें कुछ दुपट्टे पीको कराने हैं यहाँ से। बड़ा ही मुश्किल, मेरी अम्मा का रक्षे वाले भाई के साथ रेट बना, और हम लोग जी अल्लाह अल्लाह करके रक्षे में बैठे हैं, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सबसे पहले जी हम मोती बाज़ार की एक शॉप में जाएंगे, जहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत कमाल के रेडीमेड ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो लेट्स गो विद मी, मैं आप लोगों को कोई शॉप भी दिखा देती हूँ। इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी हुई है। ट्राउजर तो मैंने नहीं देखा अभी, स्मॉल स्मॉल ही चाहिए। आई लव फ्लैपर अम्मी, अब ये चक्कर में करवाना है मुझे, बताइए। ये बता मेरी लड़कियां कितनी बड़ी हैं, और ये सारी स्मार्ट हैं, वो इससे स्मार्ट है, इतनी ऐसी है ये हर चीज मुझे। चल मम्मी ये ले लेते हैं, उसका ना दुपट्टा डाई करा लेंगे, इसका उसको अच्छा लगेगा। ये इसकी बैक आपने देखी है? बैग तो नहीं मैंने देखी भाई, खूबसूरत है। हाँ रेट सही से, हम 3 सूट लेंगे, लेकिन मुझे रेट सही से लगा के दे। नहीं नहीं मुनासिब नहीं है, हाँ अच्छा चलें। तीसरा सूट आप ही के लिए देखे ना, ये अभी फायजा का हो गया ना, ये आपका। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें जिंक कलर अच्छा है वो वाला या ये वाला? ये पर्पल वाला मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर्पल भी अच्छा लग रहा है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इनके साथ दुपट्टे नहीं है ना यार, क्या मसला है। दोनों खूबसूरत है, दो ही ले लें आपने। ये दो और मुझे 3 पीस भी चाहिए। ये एक दो कौन सा सही है? ये अच्छा लग रहा, बहुत ही रीजनेबल और अच्छे कपड़े मुझे यहाँ से मिल गए हैं। और मैंने यहाँ से 8 सूट खरीदे हैं टोटल। पहला बिल मेरा जो है वो 12,500 का बना है, और जो मेरा दूसरा बिल बना है वो बना है तकरीबन 14,000 का। मैंने वो वाला जिंक कलर है ना, लेकिन उसकी जो ऊपर वो है वो देखें, वो बॉटल ग्रीन है, लेकिन जूता प्यारा है उस। वैसे वो जो गोल्डन कलर है बंदा वो भी ले सकता है, डिफरेंट कपड़ों सब भी चल जाता है, या गोल्डन ले। कपड़ों वाली दुकान से मैं निकली हूँ, और उसके ऊपर ही ना जूतों की एक बहुत ही कमाल की दुकान है, जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। उनके पास ना चप्पलें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और मैंने सोचा कि चलो इनसे एक चप्पल लेके भी ट्राई करते हैं, क्वालिटी का भी पता चल जाएगा और प्राइसेस का भी पता चल जाएगा। मैं भी ये सोच रही हूँ सिर्फ एक सूट सा पहना जाएगा। फिर
ये डिफरेंट कपड़ों के साथ पहना भी जाएगा है ना। ये मुझे गोल्डन दे देते, कितने का है ये? तुम भी एक खाओगी समोसा? कपड़े भी ले लिए हैं मैंने, एक जूता भी ले लिया है और जूता मुझे 2300 का मिला है जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है राजा बाजार के अकॉर्डिंग। ही बाद में बार बार अम्मा और आपी से भी कह रही हूँ लेकिन वो मुझे कह रही हैं कि 1.5 साल पहले जो कीमतें थी ना अब वो नहीं रही, अब पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई हो चुकी हुई है। स्टॉलर किधर से मैच है? ये वाला खोले में क्यों नहीं खोलेंगे? मेरी ऑफिस जो केगी वो वाला खोल देंगे। हां नहीं, अच्छा अभी आप पूछेंगे कलर तो मैं ला देता हूं। वेट, ये प्यारा लग रहा है ना? इनके कपड़े खराब नहीं होते अम्मी, हमारे फीडो ने भी बहुत पहने हैं इनके जो पिछली दफा लेके गए थे। अभी कलर भी है, ये कलर ये ब्लैक सही लग रहा। ले लूं? देखा है? ये बेबी पिंक कलर है ना? यही शेड है। टी पिंक का शेड तो नहीं आना हमें। प्यारे लग रहे हैं ना? ब्लू कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। कलर और भी हैं। ये वाला बेबी पिंक है। वो कलर आया ही नहीं है। पिंक नहीं सही लग रहे थे, यही ले लेती हूँ। ले लो पिंक तो नहीं सही लगी। भाई कितने का है? 300। ये पैक में डालना। अभी जी गुजरते गुजरते ना मुझे जूतों की सेल नज़र आई जहाँ से मैंने ब्लैक और गोल्डन कलर की दो कोल्हापुरी चप्पलें खरीदी हैं। पीछे जी मेरी अम्मा की जो बहस हो रही है ना दुकानदार के साथ, उसको आप लोगों ने करना है इग्नोर क्योंकि यहाँ पे रेट बनाने पड़ते हैं। तो भाई मैं बात करी थी सेल की और सेल में मुझे वो दोनों जूतियाँ मिली हैं 1500 की। और जब मैंने पिछली बार वो इस तरह की चप्पलें खरीदी थी वहाँ से तो मैंने 700 की खरीदी थी सेल में। तो भाई ये जो कीमतें हैं ना आसमानों को छू रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है। राजा बाज़ार में भी आपको कुछ अफोर्डेबल नहीं है। आप इधर बैठ के जी मैं अपने कुछ कपड़ों के साथ दुपट्टे मैच कर रही थी बिकॉज मैंने ना टू पीस कुछ खाड़ी से और लाइमलाइट वगैरह से लिए हुए थे और उनके साथ ना मेरे पास दुपट्टे नहीं थे तो मुझे दुपट्टे चाहिए थे और यहाँ से मुझे बहुत अच्छे और रीज़नेबल दुपट्टे मिल गए हैं। जी हम खाएंगे गर्मा गर्म कचौरी और रोल। घर के लिए लेनी ले लें, अच्छी होती है। अभी जी हम थोड़ी सी बोरिंग शॉपिंग करने के लिए आए हैं क्योंकि मुझे अपने भांजों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट लेनी थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा था तो हम कुछ बोरिंग सी शॉपिंग कर लेते हैं। हम ही और इसको आ जाएगी इससे शर्ट्स ही हमें मिल गई और अब हम आए हैं जी दही बड़े खाने के लिए। राजा बाज़ार में भाई ये दही बड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आई थिंक ये बहुत 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 ज़्यादा पुराने भी हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राजा बाज़ार में शॉपिंग करने नहीं आते लेकिन ये दही बड़े खाने के लिए आते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दीज दही भल्लाज। अभी जी मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अफोर्डेबल हैं या फेमस हैं। तो मैंने सोचा कि खा लेते हैं, लेकिन पहले भी जब मैं यहाँ पे आती थी ना तो मैं दही भल्ले वगैरह नहीं खाती थी बिकॉज मुझे चाट दही भल्ले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। चल आ जा भाई, हमें बुला रहा है। आ जा आप ही। इन भाई ने हमें पारू बुलाया, पता नहीं इनको शक्ल देख के पता चल गया था कि हमें वेस्टकोट लेनी है। और नंबर हां पहले भी चोकर था ये 2.5 साल वाले बच्चे का साइज पहले देखो, दिखाएं जरा आ जाएगा फीडो को। जी तबेदार फीडो कमजोर था उसको आ जाएगी है ना। कलर ठीक है, फीडो को तो हमें उन्होंने एक एक दफा पहननी है और वो भी शायद 2 घंटे के लिए। ये साइज बड़ा है ये 2 साल के बच्चे का नहीं बड़ा 2 साल मुझे नहीं
नहीं लगता बड़ा होगा, ठीक होगा। अभी जी यहाँ से ना हम लोग पैदल पैदल चलते जो है ना वो सेवर फूड जा रहे हैं। पिंडी वालों को भी सेवर फूड्स का पता है। तो अब चलते 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 हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। और है भी यहाँ से यार दूर है तकरीबन, लाइक कॉलेज रोड पे है वो, और हम लोग हैं जी राजा बाजार में। पहुँचे हैं जी सेवर, और सेवर की स्पेशलिटी ही जी पुलाव है। तो आप पुलाव ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे पिंडी वालों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि भाई आप लोगों को सेवर पसंद है या नहीं। जी उनका पुलाव खाने के बाद, एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने घर की राह ली है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। राजा बाज़ार में ना लाइक दिमाग की दही हो जाती है, सर में दर्द लग जाता है अच्छे खासे बंदे का। और ये रही जी हमारी सारी शॉपिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे कौन कौन से कपड़े अच्छे लगे हैं और कौन कौन से नहीं। हम लोग जी पहुँच गए हैं घर एंड आई वॉज सो 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 टायर्ड। बाकी जी अगर आप लोगों को मेरे कपड़े डिटेल में देखने हुए और प्राइसेस वगैरह भी जानने हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट व्लॉग बना दूंगी जिसमें मैं आप सबको अपने कपड़े डिटेल में दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से कपड़े खरीदे हैं और इन सब कपड़ों की कीमतें क्या हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ब्रांड्स विजिट करने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि ये वाले कपड़े मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल, बिकॉज दे आर इन अ वेरी गुड क्वालिटी। वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड हैं, बहुत अच्छी उनकी स्टिचिंग हुई हुई है। और ब्रांड्स पे अगर यही वाले कपड़े होते तो मुझे हज़ारों में लाइक 10-10, 12-12 हज़ार का एक सूट मिलता। तो बस जी इतना सदा मेरा राजा बाज़ार वाला व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।